जानते हो प्रेम, भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना, तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बार ही अखबार नीचे रख के यहाँ आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रट के। भैया, पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो, हाँ, यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। चाचू, हाँ? क्या आप इनसे शादी कर रहे हो? क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है? बदमाश, अरे कुछ भी कह देता है कभी भी। गॉट बी केयरफुल व्हाट यू से इन फ्रंट ऑफ दिस गाय, चलो बदमाश, सोने का टाइम हो गया, चलो गुड नाइट। बहुत बदमाश हो गया आजकल ना पापा। अरे अब कल का पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो, रख दो भाई। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही, चल चल। और क्या जानना चाहते हो पूनम के बारे में? सुना उसे पढ़ने का बहुत शौक है, उनके यहाँ लड़कियाँ जीन्स ड्रेसेस ये सब नहीं पहनती, वो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाते, और हाँ वहाँ शायद आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़े। ओ, ओ। मुझे पूनम पसंद है। भाभी, जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा? घबराओ मत, बेचारी वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी। जाने अजनबी चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं। अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं। जी जी, हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं। अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है। आप लीजिए ना। अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए, बैठिए।
लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन हाय रे, कल की सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। आप भी तो मिलो पूनम से, हेलो बोलो बेटा। आंटी को हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। कृष्ण कांत जी, हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए, अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना, हम झूला झूलने जा रहे हैं। अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं। बातें नीचे नहीं आ सकती, चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है। तो फिर हम क्यों आए हैं? राहुल अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे? हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी। प्लीज बैठो पूनम, आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे? भाई छोटी, देखा जाए तो म्यू ही फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एक कान ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखे और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। इनका एग्जाम है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की, देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड, कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर, बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में, वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ बाद में पता चला कि उसके उसके पहले से ही दो बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कह नहीं थे। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी? आई मीन आध्यात्मिक? या जरूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स।
क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दोबारा और मिल सकते हैं। तो फिर हम